अस्सलाम वालेकुम जी, आबिद मकसूद W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल से। अभी अपवर्क ने जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स का एनालिसिस शेयर किया है, पहली चीज़ तो ये है, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि अपवर्क ने एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है फ्रीलांसर्स के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, आपने बिड कैसे करना है, इवन आपने अपना रेट कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने दे दी हैं। रेट कैलकुलेशन के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि आपका आवरली रेट क्या होना चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने टॉप जो डिमांडिंग स्किल्स हैं वो पब्लिश कर दी हैं कि इन डिमांड कौन कौन सी स्किल्स हैं। तो सबसे पहले 2020 के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड की जा रही है अपवर्क के ऊपर, वो मशीन लर्निंग है। सीख लें पाइथन, अभी भी टाइम है। खास तौर पे वो लोग जिनकी एज 16 से लेके 25 के दरमियान है, उनको अभी से पाइथन सीखना शुरू करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन की बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ऑटोमेशन के अंदर आप रिपोर्ट्स की ऑटोमेशन की बात करते हैं, सर्वर्स की ऑटोमेशन की बात करते हैं, पैकेजेस की बात करते हैं, वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ऑटोमेशन के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिटिक्स डे बाय डे ग्रो कर रहा है। अगर 2020 या 2021 की टॉप डिमांडिंग स्किल्स को देखें तो डेटा एनालिटिक्स कहीं पर नज़र नहीं आएगा आपको। इंडीड पे चले जाएं, वहां पर भी आपको ये टॉप 5 में नजर आएगा, और अपवर्क ने भी इसको नंबर 3 पे दे दिया है। तो ये पहली 3 स्किल्स हैं, इनमें से कोई एक सीखें अगर आपने अपने फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो। उसके बाद नंबर 4 पे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, नंबर 5 पे वर्चुअल रियलिटी है, नंबर 6 पे वीडियो प्रोडक्शन है। वीडियो प्रोडक्शन या ग्राफिक डिजाइनिंग, ये दोनों चीज़ें नंबर 1 नंबर 2 पे हुआ करती थी, लेकिन अब ये नीचे जाना शुरू हो गई हैं। उसके बाद SEO ऑप्टिमाइजेशन है, फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट आ जाती है। ये हैं टॉप डिमांडिंग स्किल्स जो कि 2022 की हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि पिछले साल क्या था। पिछले साल ज़रा थोड़ा सा हालात डिफरेंट थे। 2019 या 2020 के अंदर सर्विस नाउ जो है, ये इसके डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा थी, हाई चार्ट्स थे, पाई टच था, और इस तरह की लेकिन अगर आप इसमें नीचे तक जाएं तो आपको कहीं पे भी डेटा एनालिटिक्स नज़र नहीं आएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो फ्यूचर बताया जा रहा है, ब्लॉकचेन फ्यूचर बताया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये फ्यूचर बताया जा रहा है। याद रखें, अपना स्किल चूज़ करने के लिए अपनी ख्वाहिश के साथ साथ मार्केट की डिमांड को भी जहन में रखिएगा। अगर मार्केट की डिमांड आपके जहन में नहीं होगी, आप मार्केट की डिमांड के ऊपर फोकस नहीं होंगे, तो फिर हो सकता है आप डिट्रैक हो जाएं। ये ऐसा ही है जैसे आज के दौर में कोई बंदा टीवी मैकेनिक का काम सीख ले, डेफिनेटली 100% भूखा मरेगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ रीयूजेबल आ गई है, वन टाइम यूज़ करेंगे, डिस्पोजेबल है, फेंक देंगे, नए ले आएंगे। आपका टीवी ख़राब हो गया, आपने जितनी प्राइस में आपने ठीक करवाना है उतनी प्राइस में नया मिल जाएगा। आपका मोबाइल जो है ये भी आगे जाके इसी तरह हो जाएगा। तो आपने वो स्किल सीखना है जिसकी आने वाले टाइम पे डिमांड है। अब साइकिल का काम बहुत लोग सीखा करते थे हमारे बचपन में, नलायक बच्चे को साइकिल या मोटरसाइकिल मैकेनिक बनाते थे। अब साइकिल मैकेनिक का काम ही कोई नहीं है, आपको कहीं दूर दराज एक बंदा नज़र आएगा जो साइकिल का अभी भी काम कर रहा होगा, बुजुर्ग भी बैठा होगा जिसने तब ये काम सीखा था। तो जो चीज़ फ्यूचर की डिमांड है, आपने उसकी तरफ जाना है, आपने कोशिश करनी है कि अपना जो अपनी लर्निंग है वो उस तरफ करें। अब यकीन जाने आने वाले दौर में कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले जो लोग हैं या इसको सीखने वाले जो लोग हैं, वो डॉक्टर्स इंजीनियर से बहुत आगे निकल जाएंगे। आल्दो अभी भी इस वक्त ऐसा है, इनसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दौर में ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अपना स्किल चूज़ करें, अपवर्क इंडीड से हेल्प लें, और यहाँ से जाके आप देखें कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेहतर है। दूसरी चीज़, मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स सीखने के साथ साथ आप लर्निंग पाथ ज़रूर ट्राई करें एक दफ़ा अपवर्क का। अपवर्क ने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं? अपवर्क ने आपको बताया है कि फ्रीलांसिंग के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये तो आपको पहले भी पता होगा डेफिनेटली, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आपको ये चीज़ें पता हैं। फिर कैटेगरीज एंड स्पेशलाइजेशन क्या है, अपवर्क के ऊपर कैसे है, मोस्ट एंड डिमांड स्किल्स क्या है, ग्रेट रेजिग्नेशन प्रोडक्ट एपिसोड है,
फिर स्टार्ट जहां पे करना है वो तो इंट्रोडक्शन था, अब स्टार्ट की बात आ गई है। प्रोफाइल बनानी कैसे है, प्रोफाइल को कंप्लीट कैसे करना है, प्रोफाइल के रेट कैसे सेट करने हैं, उसके अलावा रेट का कैलकुलेटर दिया हुआ है, कैलकुलेटर में जाएं अपने हराजात ऐड करें और एंड पे आपको मिल जाएगा कि आपका खर्चा क्या बनता है। उसके बाद सेफ कैसे रहना है, प्रोफाइल को बचा के कैसे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे टॉप रेटेड प्लस लोगों की भी प्रोफाइल्स बैन हो जाती हैं जब वो उनको नज़र आ रहा होता है कि यार अब हमारी प्रोफाइल इससे एक नेगेटिव फीडबैक के बाद जो है ये JSS नीचे चला जाएगा, टॉप रेटेड बैज हमसे चला जाएगा, और वो दो नंबर तरीके से रिव्यूज़ लेते हैं और अपवर्क उनकी प्रोफाइल्स को बैन कर देता है, लाइफ टाइम बैन हो जाती है। 100K 200K जो भी आपने कमाया था वो सारा आप ज़ीरो पे खड़े हो गए। कोई क्लाइंट आपका था जिसके साथ इन टच हैं तो मे बी आप नई प्रोफाइल से किसी और के नाम पे बना के निकल सकें, लेकिन अपवर्क आपको नहीं अलाउ करेगा दोबारा अपवर्क पे काम करना। तो शुरू करें अपवर्क 101, 102, 103 सारे कोर्सेज करें, फ्री हैं, अपवर्क की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में कि आपको अपवर्क के ये कोर्सेज कैसे लगे अगर आप इसको यूट्यूब के कोर्सेज से कंपेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।